आपके पास घर में कोई भी ट्रिमर है ना, चल जाएगा। अगर आप कोई हो जिसको थोड़ा हैवी चाहिए लुक, सिंपल इजी मेथड है, बस उसको फॉलो कीजिए एंड आपका लुक हो गया। एक ऐसा बियर्ड की स्टाइल आपको मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, जो भले ही आप कॉलेज जाते हो या आप ऑफिस जा रहे हो, आपको ज़्यादा स्टबल लुक नहीं चाहिए, एकदम सिंपल सा लुक चाहिए ना, आज की वीडियो में आपको मैं बताऊँगा नहीं, करके दिखाऊंगा। डूड सलूट, क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। यार आज का वीडियो एक बियर्ड स्टाइल वीडियो है, एक बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो था कि भाई एक सिंपल सा स्टाइल बताइए। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, बाहर जाना इज नॉट सेफ, बेटर हम खुद से ही घर पे कर लें। एक बेसिक ट्रिमर एंड एक ब्लेड की जरूरत पड़ेगी इस चीज़ के लिए। मैं जो ट्रिमर यूज़ कर रहा हूँ यार, वो एक अमेजॉन बेसिक का ट्रिमर यूज़ कर रहा हूँ, उसका लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। इसका एक रिव्यू वीडियो भी है, वो भी नीचे डाल दूंगा, आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। आपके पास घर में कोई भी ट्रिमर है ना, चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस खाली उसमें थोड़ी सेटिंग रेंज होनी चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मुझे नीचे कमेंट करके बताइए आप कौन से कंपनी का ट्रिमर फिलहाल यूज़ कर रहे हैं। एंड ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू किया जाए। यहाँ पे जो मैंने ट्रिमर लिया हुआ है ब्लेड को ट्रिम करने के लिए, मैंने अमेजॉन बेसिक का ट्रिमर लिया हुआ, इसके अंदर 7 to 8 रेंज ऑफ ब्लेड सेटिंग्स मिलती है, जो बहुत अच्छी होती है बियर्ड स्टाइलिंग के लिए। इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। बियर्ड को ट्रिम करते हुए दोस्तों ध्यान में रखना है कि हम 3 लेवल पर बियर्ड को ट्रिम करेंगे, लेफ्ट रेंज में, राइट रेंज में, देन गोटी वाले रेंज में। मैं पहले शुरुआत में ट्रिमर की सेटिंग रख रहा हूँ अराउंड 3 से ग्रेजुअली उसको कम करके 2 तक लाऊंगा, 2 के बाद एंड में रखूंगा 1.5। जब आप बियर्ड को ट्रिम कर रहे हो तो याद रखिए जो आपका स्ट्रोक है उसको मेंटेन रखिए। भले ही आपको लग रहा हो कि भाई बाल अभी ढंग से थोड़े से नहीं कट रहे, थोड़ा राइट और लेफ्ट हो रहा है, वो ओवरऑल लुक जब फाइनल कट में हम टचअप देंगे तब वो परफेक्ट लगती है। ट्रिमर की मूवमेंट को मेंटेन कीजिए। ट्रिमर की सेटिंग को हम हल्का सा चेंज करेंगे जब हम अपनी गोटी वाली रीजन के लिए एंड अपनी मुस्ताश रीजन पे हम उसको सेट करेंगे। उस समय बियर्ड की जो ट्रिमिंग सेट होगी वो होगी पहले 2 पे एंड 2 के बाद हम उसको सेट करेंगे 1.5 पे। अब मैं मुस्ताश रीजन पे 1.5 के ब्लेड की सेटिंग रखने वाला हूँ एंड हम ट्रिमर से उसको अच्छे से ट्रिम करेंगे। ट्रिमर से ट्रिम कर लेने के बाद दोस्तों एक सीजर ले लीजिए एंड अपने मुस्ताश को अच्छे से लेवल उसकी सेट कर लीजिए। जितने भी हेयर एक्सेसिव लग रहे हैं जो आपके लिप्स के पास आ रहे हैं, लिप्स को थोड़ा सा इन्वर्ट करके धीरे धीरे वो मुस्ताश रीजन पे उसको स्ट्रेट कट कीजिए। ट्रायंगल बेसिकली आपको बनाना है। इसमें एक कोम का इस्तेमाल करके अपने बियर्ड को एंड अपने मुस्ताश को थोड़ा सा उसको बाल को स्ट्रेट कर लीजिए, सो दैट आपको लेंथ अच्छे से पता चल जाए कि कितनी कट करनी है। अब मैं ट्रिमर को 0 करके अपने एक्सेसिव जो बियर्ड की रेंज है वहाँ पे मैं उसको यूज़ करने वाला हूँ। जितनी भी आपकी एक्सेसिव दाढ़ी है नीचे की तरफ, आपको उसको कट करके जितना हो सके अपर एज पे लेके आना है, सो दैट एक अच्छा सा प्रॉपर शेप आए आपकी जॉ लाइन को। याद रखना दोस्तों, जितना अच्छा आप अपने लोअर एंड की बियर्ड को शेप कर सकते हो उतना अच्छा है ना, स्ट्रॉन्गर आपकी जॉ लाइन दिखती है। चेहरे को दोस्तों अच्छे से पानी से आप धो लीजिए एंड अब उसके ऊपर एक लगाइए आप एक शेविंग जेल। शेविंग जेल मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ जिलेट का, ये काफ़ी अच्छे क्वालिटी का होता है एंड स्किन को भी मॉइस्चराइज रखता है। ये हम अपने फाइनल टचअप के लिए देंगे, जिससे अब आपकी जो जॉलाइन वाला एरिया है, आपकी जो लोअर एंड का बियर्ड रेंज है, आप उसको अच्छे से क्लीन कर पाए। सेम गोज दोस्तों, शेविंग जेल को अपने आप बियर्ड रीजन पर लगाइए अच्छे से, सो दैट अभी आपको आपके बियर्ड को एक शेप देना है, इक्वल लेवल तक उसको लेके आइए। मिरर पर देखते रहिए, धीरे करना है, ज़्यादा फास्ट वाला काम मत कीजिए। राइट रीजन एंड लेफ्ट रीजन को इक्वली देखिए कि प्रॉपर अलाइन हो चुके हैं एक दूसरे के तरफ। हम साइड ब्लॉक कर रहे हैं इसे एंड हल्का सा उसको स्लांट में करेंगे, सो दैट एक अच्छा सा लुक आए ओवरऑल। मैं चीक्स के साइड की रीजन को एम्टी रखना पसंद करता हूं दोस्तों, तो मैं साइड से हल्का सा अपने वो एजेस को और क्लीन करूंगा, सो दैट एक अच्छा सा ब्लॉक इफेक्ट दिखे। चिन वाले रीजन पे मुझे हल्का सा वी शेप पसंद है, तो मैं वैसा करता हूं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको पसंद हो कीजिए, वरना उसे क्लीन कर दीजिए कम्प्लीटली। वंस डन, अपने चेहरे को अच्छे से ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए, चाहे तो एक फेस वॉश भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके बाद, एंड एक आफ्टर शेप लगाना। अगर आपको लग रहा है कुछ थोड़ा टचअप रह गए हैं तो पोस्ट सीजर के साथ हल्का हल्का काट के आप उसको सेट कर सकते हैं। एंड अब कंप्लीट हो चुका है आपका सेक्सी स्टाइलिश बियर्ड लुक। एंड देख लिया दोस्तों, बहुत ही आसानी से हो गया है। बस आपको ट्रिमर की सेटिंग लेवल्स याद रखनी है कि इस पे ही करना है आपको। अगर आपकी दाढ़ी मेरी जितनी थी तो याद रखो, धीरे धीरे स्टेप डाउन करो। मैंने 3.5 किया, फिर 2 किया, फिर मैंने उसको फिर 2.5 किया, एंड में मैंने उसको 1 किया था। तो मैं अपने लेवल के हिसाब से जा रहा हूँ। याद रखना, चिन पे पहले फोकस होगा, पहले यहाँ का आप कम करेंगे, देन आपके राइट लेफ्ट, एंड में आता है आपका मुस्ताश एरिया। एंड मुस्ताश एरिया के साथ साथ आपको हल्का सीजर लेके भी उसको कट करना पड़ेगा आपकी यहाँ पे राउंडिंग बनाने के लिए। हो सकता है थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे हो जाए स्टार्टिंग में, हो सकता है जो एकदम टीनेजर्स हैं जो ये करने वाले हैं उनसे थोड़ी गलतियाँ भी हो सकती हैं। सिर्फ टीनेजर की बात नहीं है, अडल्ट भी गलती कर सकते हैं अगर जो वो खुद से कर रहे हैं। पर भाई सिंपल है, ईजी मेथड है, जैसे मैंने बोला वैसे फॉलो करो। पहले राइट साइड, देन योर लेफ्ट साइड, देन योर मुस्ताश एरिया। पर सबसे स्टार्ट में हम शुरू करने वाले हैं हमारे नीचे गोटी वाले एरिया से, ठीक है? उसके बाद आप प्रोसेस करेंगे आगे। सिंपल इजी मेथड है, बस उसको फॉलो कीजिए एंड आपका लुक
हो गया। अगर आप कोई हो जिसको थोड़ा हैवी चाहिए लुक, तो देन अगेन आप 3.5 से कट करके 1 तक मत आएंगे। आपका लास्ट जो रहेगा वो 2 रहेगा, 2 के नीचे नहीं आना। 2 मतलब ट्रिमर की जो सेटिंग होती है ब्लेड रेंज, वो 2 के नीचे आप नहीं आएंगे, तो आपको वो थोड़ा सा और हैवी लुक मिलेगा। मेरी बियर्ड की ग्रोथ बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है यार, एंड जैसे मैं अभी इंडिया का बेस्ट बियर्ड ऑयल का भी रिव्यू कर रहा हूँ, उसकी वजह से मेरी ग्रोथ अब थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है पहले से। तो नाउ विथ रिस्पेक्ट टू इट, मैं इतना कर रहा हूँ, मेरे 3-4 दिन में वापस से बड़े होने वाले, ठीक है? तो मेरे लिए ये परफेक्ट है, पर आप अपने चेहरे, अपने फेस टाइप के हिसाब से आप अपनी बियर्ड की लुक सेट कर सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज है कि आपके फेस टाइप के हिसाब से आपको बियर्ड कितना रखना है, आपको हेयर स्टाइल कितना रखना है, मैंने एक पूरा वीडियो भी बनाया था उसके ऊपर, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। वरना ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी, आप यहाँ मुझे फॉलो करके DM कर देंगे, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। ऑल इन ऑल दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरे वीडियो से हेल्प होगा, एंड अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एंड बेल आइकन को भी हिट कीजिए। इससे यार चैनल को कंटिन्यू रखने में मुझे हेल्प होती है। अगर आपको और भी कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए, या आपको तो इंस्टाग्राम आईडी पता ही है आपको क्या करना है, फॉलो करके मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं रिप्लाई करूँगा। एंड मेरी नोटिफिकेशन गैंग, आप कहाँ हो, जो भी मेरे नोटिफिकेशन गैंग से 60 मिनट के अंदर नीचे कमेंट करेगा भाई, उस कमेंट्स को मैं शाउट आउट दूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए तुम जहाँ पर भी हो सेफ रहो, सुरक्षित रहो, अपने घर वालों का ध्यान देना। मैं मिलूँगा यार तुमको बहुत जल्दी ऐसे कुछ और अच्छे वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए मैं रुड़ा में, बाय। We'll be right back.